और कुछ? चाय देना, मैं बाहर हूं। माँ, 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 क्या हो गया बाबू? मैं मेरा अच्छा बच्चा सोनू, अब मम्मा के हाथ से खाना खाएगा। मुंह खोलो, आ सोनू, मुंह खोलो। गुड बॉय। करी करी कर। जा रहा हूं मैं। फिर कब आओगे? पता नहीं, देखता हूँ। सोनू का जन्मदिन है अगले हफ्ते, याद है ना? अब सोनू का जन्मदिन मुझे याद रखना पड़ेगा। इसे कुछ पता चलता है? इसे कुछ समझ में आता है जन्मदिन के बारे में? सब समझ में आता है इसे। पिता हो तुम उसके, तुमसे कुछ तो उम्मीद रख सकता है ना। अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। घर में और कौन था? सब पूछताछ कर रहे हैं हम, पता चल जाएगा। माँ, मुझे जाने दीजिए। माँ, मेरी माँ। सुन, मुझे एक मिनट, आप शांत हो जाइए प्लीज। दक्ष, ये क्या हो गया? माँ ने ऐसा क्यों किया? दक्ष, माँ ने ऐसा क्यों किया? क्या ये वाकई ये खुदकुशी थी या फिर खुदकुशी की आड़ में छिपी हुई एक हत्या? जिस दिन लता की मौत हुई उस दिन वो बहुत व्याकुल, बहुत परेशान सी नजर आ रही थी। क्या इस बात का उसकी मौत से कोई ताल्लुक था? अपने पति की मृत्यु के बाद लता ने अकेले ही अपनी बेटी चारू और बेटे दक्ष की परवरिश की। 16 साल की उम्र में ही चारू ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली और अपने से 4 साल छोटे भाई दक्ष को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। बेशक इस छोटे से परिवार ने कई मुश्किलों का सामना किया और फिर ये अचानक इस तरह से लता की मौत। क्यों? वास्तव में लता की मौत सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी आंधी की जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। नो, नॉट ए सुसाइड। ये खुदकुशी हो ही नहीं सकती क्योंकि बॉडी पर स्ट्रगल के निशान हैं और विक्टिम मरना नहीं चाहती थी, आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश की है। ये देखिए, सर के पीछे घाव भी है। पहले सर पर मारकर बेहोश किया गया है। आत्महत्या करने वाला लेफ्ट टू राइट में काटता है और यहाँ राइट टू लेफ्ट में काटा गया है। इसका मतलब विक्टिम ने खुद नहीं, किसी और ने इनकी कलाई काटी है। नहीं सर, मेरी माँ कभी अपने आप को नहीं मार सकती सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। सर, मेन डोर के लॉक के साथ छेड़खानी हुई है लेकिन आसपास रहने वाले लोगों में से किसी ने कुछ नहीं देखा। सीसीटीवी? कोई सीसीटीवी नहीं है सर। आप लोगों को किसी पर शक है या फिर किसी की दुश्मनी थी आपकी मां से? दीदी, तुम ही बोलो। नहीं, यूं ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। देखिए, हो सकता है अभी कोई बात जरूरी ना लगे लेकिन आगे चलकर वही इंफॉर्मेशन काफी काम की हो सकती है। कोई भरोसा नहीं है तो बताइए। मेरा पति, मतलब पति था, अब तलाक हो चुका है। रमेश, उसने धमकी दी थी।
सर छोड़ दीजिए मुझे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर तुम दोनों सर धोखेबाज हैं, ये लोग झूठे हैं सरासर। ये झूठे तो तुम हो जो अपनी बीवी पर जबरदस्ती करते हो। साहब ये आए दिन मेरी बेटी को मारता पीटता है। और धमकी किसको दे रहा है बे? क्या हालत कर दी मेरी दीदी की, जेल में सड़े का पंजा भी। हिम्मत है तो आना, तुझे बताता हूँ मैं। हाँ बोलो। चला देख लूंगा तुम लोगों को वापस आके। मैं कह रहा हूँ तुम देख लूंगा तुम लोगों को मैं। साहब कुछ ना ये लोग के घर में चलता ही रहता है। और उनकी बेटी है ना, क्या नाम है, चारू साहब, वो जब भी ये घर में आती थी ना इनके घर में झगड़ा होता ही था साहब। चारू ने तो पूरे घर का खर्चा उठाया है सर, अपने भाई को बड़ा किया। उसका भाई है ना सर दक्ष, थोड़े निकम्मे टाइप का है। वो अपने बहन के पैसे उड़ाता है और अपने मायके का खर्चा वो भी सब खुद ही उठाती है। सब एक हफ्ता पहले ही तो रमेश जेल से छूट के आया है और दो तीन दिन हो गए वो घर से बाहर ही है। घर में आता है तो मोहल्ले वाले ताने मारने लगते हैं। जीना हराम कर दिया साहब उसका, शादी करके फंस गया बेचारा। चारू, उसकी माँ और उसका भाई, तीनों ने मिलकर उसकी जिंदगी हराम कर दी है साहब। धोखा दिया है उसे, बीवी पे हाथ उठाने के जुर्म में उसे अंदर बंद करवा दिया। गलत क्या किया, घरेलू हिंसा जुर्म है, पता है आपको? कहां साहब वो किसी पे हाथ उठाता था। झूठ है सर, रमेश का बाप भी रमेश की तरह मेरी बहन के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है सर। उन्होंने किसी का कुछ गलत नहीं किया सर। रमेश को गुस्सा आता, वो चारू दीदी पर हाथ उठाता सर। इसी बात को छुपाने के लिए दोनों बाप बेटे मिलकर झूठ बोल रहे थे सर। तुम्हारे घर में झगड़े क्यों होते थे, खासकर जब चारू मिलने आती थी? सर मेरी वजह से। क्यों? सर मेरे पास जॉब नहीं थी, इसलिए जब भी चारू दीदी घर पे आती थी मेरी माँ मुझे ताने देती थी कि मैं दीदी के ऊपर बोझ बना हुआ, लेकिन दीदी हमेशा मेरी साइड लेती थी सर। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़े होते थे, तो झगड़े भी सुनने को नहीं मिलेंगे सर। सर शक तो सीधा रमेश पर ही जाता है क्योंकि वारदात वाले दिन से वो गायब। उसके सारे फोटोज हमने चारों तरफ सर्कुलेट कर दिए लेकिन अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए। अभी एक हफ्ता पहले ही जेल से छूटा है, इसीलिए उसके पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं है जिसके जरिए हम लोकेशन ट्रेस कर पाए। सर कोई बाहर का ही आदमी है जो मेन दरवाजे का लॉक तोड़ के अंदर आया है, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है। तो मुझे तो चारू के पति अशोक पर भी शक है। चारू पर उसे मायके की पूरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए अशोक को गुस्सा आता होगा कि चारू का पूरा ध्यान मायके पे था। हाँ लेकिन अगर ऐसा होता भी तो बात करता, झगड़ा करता सीधे चारू की माँ का खून, और वो भी इतनी प्लानिंग के साथ। अगर कोई और एंगल निकलता भी है तो उस पर शक कर सकते हैं, पर कुत्ते काम पर इस पूरी फैमिली का कच्चा चिट्ठा निकालो और इस रमेश को ट्रेस करते। ओके सर। लता वर्मा के मर्डर केस का सबसे बड़ा संदिग्ध रमेश खुद शिकार बन चुका था। अब पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि दो दो हत्याओं का मामला था। सवाल यह था कि क्या रमेश के कत्ल का लता की मौत से कोई ताल्लुक था। पुलिस अब इन दोनों मामलों को जोड़कर जांच करने लगी। सर मुझे तो पता भी नहीं था कि वो जेल से छूट गया था, मैंने तो उस आदमी के बारे में सोचना भी बंद कर दिया था। दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच कहाँ थे तुम? सर सोनू की क्लास थी वही। कल सैटरडे था, कैसी क्लास? वो नॉर्मल क्लास नहीं सर, स्पेशल क्लास। सोनू ऑटिस्टिक है ना सर, तो शनिवार को उसकी स्पेशल क्लास होती है। सर हम लोगों का रमेश से कोई लेना देना नहीं सर, वो दीदी के साथ इतना बुरा बर्ताव करता था उसके बावजूद आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया सर, तो अब क्या मारूंगा सर उसको, हम लोग ऐसे लोग नहीं है सर। लेकिन इस बार तो तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ है और तुम्हें तो उस पर पहले से ही शक था, तुम नहीं बताया था। हाँ लेकिन सर तब भी मैं पहले पुलिस के ही पास आता। कल दोपहर 12 से 1 के बीच में कहाँ थे? सर मैं सोनू और दीदी को लेके सोनू के स्कूल गया और उसके बाद बाहर वेट करता रहा, और जब 2 बजे उसकी क्लास छूटी तो। और तुम वहीं रुके रहे? हाँ सर मुझे तो आदत है। एक काम करो, रमेश की सारी डिटेल्स निकालो, जिस जेल में था जेलर से बात करो, पता करो जेल में किसी से दुश्मनी थी या नहीं। दक्ष, चारू और अशोक तीनों की मर्डर के समय मोबाइल फोन लोकेशन निकालो। ओके सर। ये भी हो सकता है कि रमेश ने ही लता का मर्डर किया। सर अशोक गुप्ता के डिटेल्स। पद्मा गुप्ता, 2 शादियां, इंटरेस्टिंग। 2 शादियां करने के जुर्म में तो तुझे अंदर करेंगे ही, लेकिन उसके पहले कुछ और सवालों के जवाब चाहिए। जहाँ रमेश की डेड बॉडी मिली थी कल तू वहीं था 12:45। नहीं सर आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है, मुझे क्या पता आपको डेड बॉडी कहाँ मिली, मेरा हिसाब से कोई लेना देना नहीं। हमने तेरे मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की, तू आर के सिंह नगर से 1 किलोमीटर आगे था, याद आया कुछ? सर जो पूछ रहा है ना चुपचाप जवाब दे, वरना हवालात में डाल के डंडे से सच उगलवाएंगे तुझसे। मुझे नहीं पता सर। सर ये ऐसे नहीं मानेगा,
अंदर करना होगा। चल 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 चल, चल। नहीं चल, देख रुकिए, मैं बताता हूँ। वो अशोक, रमेश तू तू जेल से कब छूटा? छोड़ना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देख मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। अरे मैं अपने लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बात करने आया हूँ, चारू के बारे में। देख मुझे लेट हो रहा है और मुझे तेरे और चारू के बारे में कुछ नहीं सुनना। अरे वो मुझे भी धोखा दे रही है और तुझे भी धोखा दे रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना उसके बारे में। अरे उसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ, समझना। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, मैं निकल गया वहां से। उसने तुझे इतनी बड़ी बात बताई और तू बस निकल गया वहां? हाँ सर, अब उसकी बात का कौन भरोसा करता? क्या पता वो मेरे और चारू के रिश्ते को तोड़ने के लिए झूठ बोल रहा हो। और तुझे चारू पर कभी शक नहीं हुआ? नहीं सर, क्योंकि रमेश शायद मेरी ही बात कर रहा था। सर चारू और रमेश की शादी के पहले और बाद भी मैं और चारू बात तो करते ही थे, कि मैं सर चारू से सालों से प्यार करता था। रमेश के बारे में मुझे बस इतना ही पता है। तूने और कुछ नहीं देखा था? नहीं सर, मैंने बताया ना मुझे काफी लेट हो रहा था, मैं सच में आसपास किसी को नहीं देख पाया। गुप्ता दोनों केसेस उलट गए। रमेश के पास मोटिव था लता को मारने का, अगर इस एंगल को पकड़ कर चला जाए तो फिर दक्ष और चारू दोनों के पास मोटिव था रमेश को मारने का, अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। फिर अशोक, अशोक के बारे में कुछ भी साफ नहीं कह सकते, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सर हम जब अशोक के साथ बात कर रहे थे, उसकी बीवी को देखा था आपने? बहुत गुस्से में थी। बात करो उससे, पता करो कि ये गुस्सा सिर्फ पति की दूसरी बीवी के लिए था या कुछ और भी। ओके सर। हेलो, दक्ष नहीं मिल रहा, कल रात से घर नहीं आया है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज। उसके फोन के सिग्नल को ट्रायंगुलेट करो, पता करो लास्ट लोकेशन क्या था। घर की तलाशी लो, देखो कुछ ऐसा मिलता है जिससे पता चले कि कहां गया होगा। फॉर बेटा, सोनू नाम है ना तुम्हारा? ये दिखाओ, कौन है ये? ये तुम हो? क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? सोनू सोनू रुक जाओ, सोनू बेटा। आखिरी बार दक्ष को कब देखा था? जी कल। दीदी मैं पूजा के लिए पंडित जी से बात करके आता हूँ, नहीं तो वो चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा वो जो मंदिर के बगल वाली जो दुकान है ना, वहाँ से सामग्री भी लेकर आना। पैसे है ना तुम्हारे पास? हाँ पैसे। ठीक है, लेकिन वो नहीं लौटा सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले माँ, फिर रमेश, और हो सकता है कि गुस्से में आकर उसने रमेश का मर्डर कर दिया हो और उसके बाद डर के मारे भाग गया हो। सर वो अपनी बहन को, अपने भांजे को छोड़कर ऐसे नहीं भाग सकता सर, जरूर कोई बात हुई है सर, प्लीज उसे ढूंढिए सर, प्लीज। आपको क्या लगता है सर? रमेश ने जेल से निकलते ही बदला लेने का मन बना लिया होगा, सबसे पहले लता को मारा, फिर या तो वो दक्ष तक पहुंच गया या दक्ष उस तक पहुंच गया, नतीजा रमेश की मौत। मुझे लगता है दक्ष पकड़े जाने के डर से भाग गया होगा। ऐसा कुछ हुआ होगा सर। एक काम करो, दक्ष से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन पिछले कुछ दिनों की, कहां गया, किससे मिला, कब मिला, सब कुछ निकालो। हो जाएगा जल्दी। तुम्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं है ना? पहले माँ के साथ जो कुछ भी हुआ और अब दक्ष गायब है और तुम अब भी वही हो ना? अरे बात को समझो जरा। देखो पुलिस की नजर है मुझ पे, खासकर इन दो शादियों की वजह से। कैसे हूं मिलने? देखो कुछ दिनों तक हमें दूर रहना पड़ेगा, जब तक कि ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। अरे तुम समझ के नहीं रही, मना किया था ना तुझे? तेरी हिम्मत कैसे मेरे पति को फोन करने की? शर्म नहीं आती तुझे? बार बार फोन करके हमें परेशान करती रहती है। अरे अपना रोना ना किसी और के सामने जाके रो, आखिरी बार बोल रही हूँ, वार्न कर रही हूँ तुझे, बहुत पछताएगी तू, छोड़ूंगी नहीं तुझे और तेरे पागल बच्चे को, समझी?
क्या है? मामा 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 अकेले नहीं खेल सकते क्या? सॉरी सर, लक्ष्य के डिटेल्स जो आपने मंगवाए थे, पिछले 24 घंटों से उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मार्केट या मंदिर एरिया के आसपास जहां भी वो जाने वाला था, हर जगह हमने पूछताछ कर लिया, किसी ने उसे नहीं देखा। ये दक्ष का बैंक स्टेटमेंट, ये देखो, उज्जैन के किसी रियल एस्टेट एजेंट को 2 लाख का पेमेंट। इसके पास तो कभी पैसे नहीं होते थे, तो इतने कहां से आए? हाँ सर, एक 2 BHK बुक किया है दक्ष ने, अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा है। उसने कहा है कि ग्राउंड फ्लोर पर ही चाहिए, उसकी फैमिली में कोई बीमार है, कोई मेंटल पेशेंट है। कब मिलने वाला है आपसे? इसका तो पता नहीं सर, कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। सर फ्लैट दक्ष ने तो इस बारे में मुझे कभी कुछ बताया नहीं, शायद माँ के साथ शिफ्ट होना चाहता था। फैमिली का मतलब तो माँ ही है ना? हाँ, हमेशा बोला तो करता था कि कहीं दूर शिफ्ट होना है उसे। दक्ष और माँ को हमेशा से ये लगता था कि उनकी वजह से मेरी टेंशन और बढ़ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि उसने फ्लैट बुक कर दिया। लेकिन उसने तो ग्राउंड फ्लोर लेने पर जोर दिया था, कहा था कि तुम्हारे बेटे को प्रॉब्लम होगी। सर वो सोनू से बहुत प्यार करता है, उसने सोचा होगा शायद छुट्टियों में सोनू वहाँ जाएगा, और इसलिए शायद सर, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि वो मुझे और सोनू को यूं बेसहारा छोड़कर कहीं नहीं भागेगा। वो जानता है कि मैंने उसे कैसे बड़ा किया है, कितनी मेहनत की है मैंने। सर प्लीज दक्ष को ढूंढ निकालिए सर, माँ के जाने के बाद मेरा और सोनू का बस वही एक सहारा है, अशोक तो बस नाम के है। प्लीज सर। सर आपको वाकई लगता है इसे कुछ नहीं पता इस बारे में? समझ नहीं आता दक्ष ने अपनी बहन से ये बात क्यों छुपाई, अजीब बात। सर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जिस घर में दक्ष रह रहा था उसकी माँ के नाम पे है, लेकिन इंस्टॉलमेंट वगैरह सब चारू ने भरे, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ चारू थे। सर ऐसा भी हो सकता है कि चारू को इस फ्लैट के बारे में सब पता चल गया हो, उसे गुस्सा आया हो कि भाई दक्ष ने माँ के साथ मिलकर नए फ्लैट खरीदने के चक्कर में पुराने घर बेचना चाहा जिसमें चारू ने अपने मेहनत के पैसे लगाए, उसे गुस्सा आया हो, उसने दक्ष को मार दिया। और सर ऐसा भी हो सकता है कि अशोक खुद इन्वॉल्व हो, दो घर एक साथ चला के वो शायद फ्रस्ट्रेट हो गया हो, तो चारू और अशोक दोनों ने मिलकर भाई दक्ष को मार दिया। या ये भी हो सकता है कि दक्ष खुद गायब हो गया और दोनों को या फिर किसी एक को फंसाने की कोशिश कर रहा। पुलिस के सामने संभावनाएं अनेक थी, लेकिन सबूत एक भी नहीं। लता की रहस्यमय हत्या के बाद सबसे बड़ा संदिग्ध रमेश खुद मृत पाया गया था, और यहां दक्ष के मामले में ना तो कोई संदिग्ध था और ना ही कोई आरोपी। क्या ये सारी हत्याएं जुड़ी हुई थी? क्या जायदाद के लिए खुद चारू और अशोक ने दक्ष की जान ली थी? सबूतों के अभाव में अचानक एक ऐसी घटना घटी जो इस केस में एक नया मोड़ ले आई। सर ये मोबाइल, घड़ी, पर्स, ये दक्ष का ही है सर। एक बार बॉडी भी देख लो, शनाख्त जरूरी है। चारू अशोक मुझे नहीं देखना,
सर मुझे नहीं देखना, अंगूठी बटुआ फोन घड़ी कुछ नहीं देखना सर। सर ये मेरा भाई नहीं है। चारू, ये मेरा भाई हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं देखना। अगर तुम नहीं देखोगे तो उसे सही से कौन पहचानेगा? चलो चलो कुछ नहीं हो, शुक्र। नहीं 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 पहले दक्ष के नए घर के बारे में आपको पता है? और ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप अशोक पर भी शक करें। मैं अशोक को नहीं खोना चाहती थी सर। वैसे भी एक एक करके सबको तो खो चुकी हूँ। मैं अशोक से बहुत प्यार करती हूँ सर। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अशोक दक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन लेकिन क्या? उस दिन तू शक्ल देखी आईने में, चूना लगा रहा है हमको, अपने ही घर वालों को। क्या गलत किया मैंने? मैं अपना घर खरीद नहीं सकता क्या? एक क्या तो 10 घर खरीद। पैसे कहां से लाए? कहां से का क्या मतलब है? ये घर बेच के लाऊंगा और कहां से लाऊंगा? सुना तुमने, पाई पाई जोड़ के घर बनाया तुमने, ये महाशय ऐसे ही मुफ्त में बेच के मुनाफा कमाएगा। अशोक एक मिनट, एक बात तो कान खोल के सुन ले, ये घर मेरी बीवी का है, चारू का, और उसके बाद मेरा, यानी कि उसके पति का। कैसे पति? अगर इतना ही दम है तो अपनी पहली बीवी को छोड़ गया ना, है दम नहीं है ना? अशोक रखने दो। तू अगर अपनी दो बीवियों का खर्चा उठा रहे तो उसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी तेरी शादी जो है ना वो गैर कानूनी है, बस दिल कहीं के। दक्ष बेटा, अशोक पागल हो गई हो क्या? क्या सर वो झूठ बोल रही है सर? मेरा मतलब है कहां सुनी हुई थी, सच है ये। लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं दक्ष को समझा रहा था कि उसे अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, उसे गुस्सा आ गया और वो कुछ भी अनाप शनाप बकने लगा। हमेशा यही होता है सर। देख दक्ष, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, शांति से सोच। आखिर तुझे भी समझना चाहिए, चारू कब तक अकेले सबको संभालेगी? हाँ, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, इतना ही तो खुद की लाइफ संभालना। मर मर के दो दो बीवी के खर्चे उठा रहा है ना। दक्ष कैसी बातें कर रहे हो? क्या गलत कह रहा हूँ मां मैं, क्या गलत कह रहा हूँ? अगर इतनी हिम्मत है तो अपनी पहली बीवी को छोड़ के आना, नहीं कर सकता ना? है ये आदमी बुजदिल कहेगा। अशोक पागल हो गया ठीक तो है बेटा? झगड़े का कारण जो भी हो नतीजा एक ही है कि तूने गुस्से के चलते दक्ष को मार दिया। इस झगड़े की वजह से सर, ऐसे झगड़े उस घर में रोज होते हैं, इसके लिए मैं उसकी जान थोड़ी लूंगा। और रमेश, उसने तो चारू को धमकाया था, गुस्सा भी बहुत आया होगा तुझे, और रमेश को मार दिया। रमेश पागल आदमी था और इस धमकी के लिए मैं उसका खून थोड़ी करूंगा। वैसे भी उससे बड़ी वजह तो दक्ष और चारू के पास थी उसे मारने की। कौन सी वजह? वही जो तूने पहले बताई थी कि रमेश का मानना था कि चारू का किसी और के साथ संबंध है। हाँ, अरे उसका चक्कर चल रहा किसी के साथ, समझना। मैंने आप लोगों को पूरा सच नहीं बताया सर, उसने मुझे इसके अलावा और भी कुछ बताया था। अशोक, सोनू मेरा बेटा नहीं है। क्या? हाँ, यही मैं तुझे बताना चाह रहा था कि चारू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। मुझे तो बाद में पता चला, उसकी माँ और भाई को पहले ही पता था। ये लोग बदतमीज हैं और जलील हैं, इसलिए मैं ये शादी जो है ये तोड़नी चाह रहा था, क्योंकि जैसे मैं कुछ कहता तो सच बाहर आ जाता। इन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा कि मुझे जबरदस्ती अंदर करवा दिया, कहते हैं कि मैं उसके साथ जबरदस्ती करता हूँ। बुज़दिल था वो, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, भगोड़ा। रमेश सोनू की जिम्मेदारी कभी निभाना ही नहीं चाहता था, इसलिए ऐसा कह रहा था वो। सोनू रमेश का ही बेटा है और किसका हो सकता है? आप ये सब छोड़कर दक्ष के साथ जिसने भी ये सब, मेरा मतलब है दक्ष को जिसने भी मारा है, आप उसे ढूंढ निकालिए प्लीज। इन सब चीजों के बीच हम दोनों की जिंदगी तो जैसे रुकी गई है, इसलिए प्लीज सर, आप जल्द से जल्द माँ के, दक्ष के कातिल को ढूंढ निकालिए प्लीज, ढूंढ निकालिए प्लीज। सर कोई तो पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं? देखा जाए तो एक ही पैटर्न है, लता के मर्डर का शक रमेश पर गया,
रमेश की मौत है। रमेश के मर्डर का शक दक्ष पर गया, हमें दक्ष की डेड बॉडी मिली। उसकी जली हुई लाश का स्कल और चेहरे की हड्डियां काफी हद तक दुरुस्त पाई गई हैं। उन्हें भोपाल भेजने का इंतजाम करो। सर भोपाल? सेंट्रल फोरेंसिक लैब की ब्रांच है वहाँ। एक्सपर्ट से उन हड्डियों के जरिए 3D फेशियल मैपिंग करवाओ और चेहरे का स्केच बनवाओ, फिर उसे दक्ष के चेहरे के साथ मैच करके देखते हैं। ओके सर। सर कंप्लीट हो गया सर। चलो सर, ये तो बिल्कुल मैच नहीं करता। इसका मतलब ये है कि वो बॉडी दक्ष की थी ही नहीं और दक्ष अभी तक जिंदा है। सर ये कुछ दोस्त और पड़ोसियों के भी बयान मिले, उनके मुताबिक दक्ष पैसों को लेकर बहुत मायूस था। अपनी माँ के साथ उसकी अनबन भी चल रही थी। सर ऐसा तो नहीं कि उसी के चलते उसने अपने माँ को मार दिया हो और अब नकली डेड बॉडी का नाटक करके अपनी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं? गुप्ता, अगर यह एंगल सही होता तो नकली डेड बॉडी हमें चारू के मर्डर के बाद ही मिलती, ताकि इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाए और दक्ष भी बच जाए। राइट सर, क्या सोच रहे हैं सर? सोच रहा हूं कि कहीं चारू ही तो अपने भाई के साथ मिलकर ये सब नहीं कर रहे। क्या चारू इस सब में इन्वॉल्व हो या ना, उसकी जान को शायद खतरा हो सकता है। ओके सर। क्या दक्ष जिंदा है? मैंने कहा था सोनू से कि दक्ष मामा जिंदा है, सबसे कहा था, किसी ने विश्वास ही नहीं किया। इसका मतलब दक्ष ने खुद अपनी मौत का नाटक रचा। लेकिन क्यों? पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, और आपको भी थोड़ा सावधान रहना होगा। मुझे नहीं सर, मुझे थोड़ी। सर आप कह रहे हैं कि दक्ष ने ये सब किया, क्यों किया मैं नहीं जानती, लेकिन वो मुझे और सोनू को नहीं सर, कभी नहीं सर, वो हम दोनों को कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। भाई है मेरा, सोनू भांजा है उसका। सर आप नहीं जानते वो सोनू से कितना प्यार करता है। सर आप प्लीज उसे ढूंढ निकालिए बस। सर वो इंदौर में है या कहीं और, कुछ पता चला आपको? पता चल जाएगा बहुत जल्द। चारू को पूरा विश्वास था कि उसका अपना भाई दक्ष उसे और सोनू को कतई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने चारू की सुरक्षा के लिए उस पर नजर रखवाई। दूसरी तरफ लता और रमेश की हत्याओं से जुड़ी जांच जारी रही, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। महीने बीत गए और मामला जैसे गतिहीन बनकर थम सा गया। और इधर चारू अशोक के प्यार और सहारे की उम्मीद में तरसती रही। वो अपनी जिंदगी के टुकड़ों को समेटना चाहती थी, उन्हें जोड़कर सुकून से जीना चाहती थी। चारू का सारा ध्यान अपने मानसिक रूप से विकलांग बेटे सोनू पर था। केस आखिर बंद होने की कगार पर पहुंच गया और तभी अचानक एक अनपेक्षित घटना घटी। हेलो। हाँ साहब, राधा नगर से बात कर रहा हूँ। जी साहब, हमारे पड़ोस के घर में झगड़ा चालू है साहब, 3-4 बार तो चीखने चिल्लाने की आवाज आई। ओके हम आते हैं। आपने फोन किया था? हाँ सर, मैंने फोन किया। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, झगड़ने की। मैंने एक बार पूछा भी तो 2 मिनट के लिए आवाज बंद हुआ, फिर तुरंत शुरू हो गए। किसी को जाते हुए देखा या अंदर जाते हुए, बाहर जाते हुए? नहीं सर, किसी को नहीं। ये देखिए खून के धब्बे। चारू और बच्चा? सर ऊपर भी कोई नहीं है। सर अंदर भी कोई नहीं है। सर लगता है जबरदस्ती बाहर लेके गया होगा। एक काम करो, कंट्रोल रूम में रेडियो करो, एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस में नाकाबंदी करो, आसपास के इलाके में सर्च टीम डिप्लॉय करो, ज्यादा दूर नहीं गए हूं। सर मुझे तो कुछ नहीं पता। आपने कुछ देखा था? सर मैडम ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ तो याद है आपको। कुछ दिन पहले अशोक जी आए थे और पीछे से उनकी वाइफ आ गई थी, और उस दिन उनकी वाइफ और चारू मैडम के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। उस दिन भी तुझे बोला था ना मेरे पति से दूर रह। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती तेरी? नहीं समझ में आती, क्यों ना करूं? करूंगी मैं, शादी हुई है इनसे, मेरी हक है, मेरा, मेरे और मेरी बच्चे की पूरी जिम्मेदारी है इन पे। अरे कौन सा बेटा, पता नहीं किसका बाप है और कौन है इसका बाप। उस दिन रमेश पर थोप दिया और आज इन पर। तू जैसी बाजारू औरतों को ना अच्छे से जानती हो। ए बाजारू किसको बोल रही है तू? मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हम लोग घर घर जाके बात। छोड़ो इसे। सर हमारे पास टोटल 3 सस्पेक्ट, पहला अशोक, दूसरा अशोक की पहली पत्नी पद्मा,
और तीसरा चारू का भाई दक्ष, जो अभी भी लापता। गुप्ता एक काम करो, यहां से बाहर आने जाने वाले सारे हाईवे चेक करो, जहां जहां पर टोल नाका है सबका सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दक्ष यहां से निकला हो या वापस आया हो और किसी ने उसे देखा नहीं। और तब तक ये अशोक और पद्मा को पूछताछ के लिए बुलाओ। ओके सर। सर पर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूं सर। देख अगर पता चला ना कि तूने कुछ भी छुपाया है, घसीट कर उल्टा लटका कर उगलवाऊंगा। बोल। मैं सच कह रहा हूं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। रमेश, रमेश सही कह रहा था सर। अरे उसका चक्कर चल रहा किसी के साथ, समझ ना। चारू का कहीं कहीं और चक्कर चल रहा है सर। फिर यही बात थी तो हमसे छुपाई क्यों? क्योंकि सर तब तक भी मैं चारू के साथ ही रहना चाहता था सर। मैं 16 साल का था तब से उसे प्यार करता हूं। कभी सोचा नहीं था कि उससे शादी कर पाऊंगा। हमारी शादी को टूटते नहीं देखना चाहता था सर, लेकिन अब वो खुद ही चली गई। उसके लिए भी लोग मुझे पे उंगली उठा रहे सर। मैं क्यों सबकी गालियां खाऊं सर? सभी को पता चले कि सच क्या है सर। कौन सा सच? सर हम दोनों में रोज झगड़े हुआ करते। चारू कहती थी कि मैं उसे टाइम नहीं दे पा, लेकिन सच तो यह है कि उसी के पास मेरे टाइम नहीं होता था। रोज उससे मिलने चली जाती थी यार के पास, बेचारे सोनू को अपनी माँ के पास छोड़ के, और सारे मजे करने के बाद जब वापस आती थी तो मुझे ही गालियां देती। सर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरा दिमाग घूम रहा था सर, मैं पागल हो रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सर ड्रामा क्यों कर रहा है? सच ये है कि बच्चा संभाला नहीं जा रहा था तुझसे, खासकर इसलिए क्योंकि वो तेरा बच्चा नहीं था, है ना? एक बात बता, तूने कहा था ना कि चारू से तेरे संबंध रमेश से शादी होने से पहले से थे, तो बच्चा तेरा भी तो हो सकता है। नहीं सर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग कभी कभी उस हद तक गए नहीं सर। वो छूने ही कहा देती थी, ना शादी के पहले और ना शादी के बाद। अशोक झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहा सर, आपको चाहिए तो वो टेस्ट करवा लो सर, डीएनए। अब डीएनए टेस्ट की बात कर रहा है? हाँ, तब जब बच्चा गायब हो गया। बहुत शातिर कमीने, गायब होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही। सर आप हम पर क्यों शक कर रहे? मेरे और मेरे पति का कुछ भी लेना देना नहीं है उस गिरी हुई औरत से। सर आप जानते नहीं है, वो बहुत चालाक औरत है। अरे जानबूझकर गायब हुई है ताकि मुझे और मेरे पति को फंसा सके। सर दरअसल बात ये है कि अशोक उससे और उस फालतू की शादी से छुटकारा पाना चाहता था, बस इसीलिए बदला ले रही है वो। क्योंकि अशोक उसके चंगुल से निकलकर मेरे पास वापस आ गया था, मेरे पास बच गई, वरना मेरे हाथ आती ना तो उसकी गर्दन पर उड़कर रख देती। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का लेना देना है चारू के गायब होने से। नहीं है सर, क्योंकि जब मैंने उसके घर के आसपास जाके पूछताछ की तो पता चला कि किसी ने भी वारदात वाले दिन उन दोनों को घर से निकलते हुए या घर को लौटते हुए नहीं देखा। मतलब वो दोनों घर पे ही थे। मतलब अब रह गया दक्ष, या तो उसी ने चारू को गायब किया है या फिर चारू उससे बचने के लिए कहीं चली गई है। सारा नाटक रचा। सर टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज। कहाँ की फुटेज है? सर जबलपुर हाईवे की। तो मतलब चारू दक्ष से बचने के लिए खुद कहीं भाग गई थी। एक काम करो, गाड़ी की नंबर प्लेट पर ज़ूम करो, नंबर नोट करो और पता लगाओ। ओके सर। हाँ सर, इस औरत ने गाड़ी बुक तो की थी और एक लड़का भी था इसके साथ में। तुम्हें याद है कुछ सफर के दौरान क्या हो रहा था? सर कुछ खास नहीं, बस लड़का तो सोया हुआ था और ये औरत काफी प्रॉब्लम में लग रही थी, कुछ डरी हुई थी। कहाँ छोड़ा था पूरा एड्रेस? सर एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन इसने कहीं मेन रोड पे गाड़ी रुकवाई और फिर कहीं अंदर चली गई। कौन से एरिया में छोड़ा था? विजयनगर चौक जबलपुर। विजयनगर चौक जबलपुर। चारू इसका बेटा ऑटिस्टिक, इलाज कराने के लिए किसी ना किसी क्लिनिक में तो जाती होगी। इस इलाके में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी लिस्ट मिल सकती है, खासकर ऐसे जो कि चारू के बच्चों जैसे पेशेंट से डील करते हैं। हो जाएगा सर। गुड, लिस्ट आते ही उन सभी डॉक्टर से पूछताछ करो, और अगर किसी के क्लिनिक में सीसीटीवी है तो उसका फुटेज भी मंगवा लो। सर नेक्स्ट। बॉस
मिंडो बेटा क्या देख रहे हो? सोनू रमेश का ही बेटा है। सोनू मेरा बेटा नहीं है। चारू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। आपको चाहिए तो वो टेस्ट करवा लो सर, डीएनए। कौन है यार? सर आपका सामान। जाओ जाकर देख। जाओ ना, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जाओ। 2 BHK बुक किया है दक्ष जोशी, फैमिली के साथ शिफ्ट कर रहा है। माँ के साथ शिफ्ट होना चाहता था। फैमिली का मतलब तो माँ ही है ना। वो मुझे और सोनू को यूं बेसहारा छोड़कर कहीं नहीं भागेगा। तो वो सोनू से बहुत प्यार करता है। दक्ष को ढूंढ निकालिए सर। बॉस, इस क्लिनिक की सारी डिटेल्स निकालो, पेशेंट का एड्रेस भी रजिस्टर्ड हो, शायद चारू का पता मिल जाए। सर, अरे मैंने कोई किराने का सामान नहीं मंगवाया यार। कौन? तू नहीं मारा ना रमेश को? हाँ सर, मैं नहीं मारा, लेकिन मैं नहीं मारना चाहता था सर। जो मारना पड़ा क्योंकि क्योंकि उसने धमकी दी थी। क्या धमकी दी थी? यही कि वो चारू दीदी के किसी के साथ नाजायज संबंधों की बात दुनिया को बता देगा, और अगर ये बात सामने आती तो किसी को पता चल ही जाता कि वो इंसान मैं ही हूं। और अगर ऐसा होता तो मैं और चारू दीदी अलग हो जाते, और ये मैं होने नहीं दे सकता था सर। हाँ, मैंने ही दक्ष की मदद की थी माँ को रास्ते से हटाने में। नहीं चाहती थी कि मैं और दक्ष हम दोनों एक साथ नए घर में रहें। अरे घर बनाया मैंने और हमें पैसे देने से इनकार कर रही थी। मेरी अपनी मां धमकाने लगी थी, दुनिया को बताना चाहती थी हमारे रिश्ते के बारे में। यही कि तुम्हारे अपने सगे भाई के साथ संबंध थे। मैं और दक्ष एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमें यह सब दुनिया से छुपा कर करना पड़ता है, लेकिन उससे कुछ बदलता नहीं। अरे सगा भाई हुआ तो क्या हुआ, जितना प्यार उसने मुझे दिया है ना, मेरे किसी भी पति ने नहीं दिया आज तक। अरे वो तो अचानक माँ ने उस दिन देख लिया, वरना सब कुछ ठीक होता। चारू कहाँ है? शायद ऊपर होगी। और तब माँ को पता चला कि मेरा और दक्ष का रिश्ता सालों से चला आ रहा है। वो डर गई, चौंक गई। बहुत धक्का लगा था उन्हें, क्योंकि उन्हें लगता था कि रमेश से शादी से पहले मेरा अशोक के साथ रिश्ता था, और ये बच्चा सोनू भी अशोक का ही है। लेकिन शादी के 7 महीने बाद ही सोनू पैदा हो गया, और तब से रमेश मुझ पर शक करने लगा। सोनू की दिमागी हालत को देखकर वो पहले ही मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहता था, और फिर धमकाने लगा, कहने लगा कि दुनिया को बता देगा कि मेरा किसी के साथ नाजायज संबंध है। इसलिए हमने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। और अशोक, उससे शादी क्यों की थी? अरे मैं नहीं करना चाहती थी अशोक से शादी। रमेश से तलाक के बाद मैं फिर दक्ष के पास चली गई।
हमें खूब आजादी मिली, हमारा रिश्ता भी मजबूत होता चला जा रहा था। लेकिन फिर माँ ने अचानक उस दिन देख लिया और जिद कर बैठी कि अशोक से शादी कर लो। घिन आती है मुझे जब भी वो मुझे छूने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं सिर्फ एक की हो सकती हूँ और वो है दक्ष। मैंने आज तक सिर्फ चारू दीदी से प्यार किया है, उन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, मुझे दुनिया की हर चीज दी है, यहां तक कि खुद को भी। शायद कोई नहीं समझ सकता कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। कोई समझ पाएगा भी नहीं, अपने ही सगे भाई से संबंध और उसे छुपाने के लिए अपनी मां का कत्ल, शर्मानी चाहिए तुम्हें। आजकल की इस बेदिल बेरहम दो मुही दुनिया में परिवार और पारिवारिक रिश्तों का महत्व बढ़ गया है, इन्हीं से हम सच्चे प्यार और सहारे की उम्मीद रखते हैं। लेकिन दक्ष और चारू का रिश्ता ना तो सभ्य था और ना ही स्वाभाविक। आखिर अब चारू और दक्ष को अपनी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी, लेकिन सजा सिर्फ उन्हें ही नहीं बेचारे सोनू को भी मिलेगी, जो अब इस दुनिया में बेसहारा और यतीम बनकर रह गया है। प्रकृति के नियमों का पालन और आदर जरूरी है, क्योंकि जब इन्हें नजरअंदाज किया जाता है तब अपराध पैदा होता है और अन्याय होता है सोनू जैसे मासूमों के साथ। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।